हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेफ इकबाल शाह, आप देख रहे हैं शेफ 21 ऑन K21 न्यूज़। खुशामदीद कहते हैं सभी दोस्तों को। और दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये थ्रू आउट द वीक आप देखेंगे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं विंटर फीस्ट, जिसमें सर्दियों के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज हम शेयर कर रहे हैं। तो आज का मेन्यू भी हमारा काफ़ी मज़े का है। चलते हैं रेसिपीज की जानिब भी, और आप जितने लोग मौजूद हैं सभी को खुशामदीद कहते हैं। और चलते हैं रेसिपी की जानिब। उससे पहले सुबह इतना ही कहूंगा दोस्तों, सच भी है, कहते हैं ना कि दुनिया तुम्हें उस वक्त तक नहीं हरा सकती जब तक तुम खुद से ना हार जाओ। अगर सब कुछ खोकर भी कुछ करने की हिम्मत बाकी है तो समझो कुछ नहीं खोया। इस बात के साथ ही वन मोर टाइम खुशामदीद कहते हैं। आज विंटर फीस्ट के तीसरे रोज दो बहुत ही आला रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। पहली रेसिपी जिसकी बहुत ज्यादा दोस्तों ने फरमाइश की, हबीबों की दुनिया में बहुत ही मजे का, हम बनाएंगे गाजर का हलवा। और गाजर के हलवे के साथ साथ शेयर कर रहे हैं रेसिपी कुन्ने की, ठीक है। और बहुत ही खास अब चिकन कुन्ने की एक जबरदस्त रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं आप सभी दोस्तों के साथ। सवाल भी आज का बहुत इंटरेस्टिंग है कुन्ने का। दोस्तों जो कुन्ना बना रहे हैं कुन्ने का दूसरा नाम क्या है, ठीक है दोस्तों, कुन्ने का दूसरा नाम क्या है? और आप भी ये जवाब दे पाएंगे कॉल करके, और आपकी पार्टिसिपेशन का सिलसिला और आपका टाइम स्टार्ट होता है। आप चलते हैं रेसिपी की जानिब। हमने दोस्तों यहाँ हांडी को गर्म होने के लिए रख लिया है, और इस हांडी से हमारे किचन की दिलकशी में भी एक नन इजाफा हो चुका है। अच्छा ये कुन्ने की जानिब चलते हैं। कुकिंग ऑयल के बाद यहाँ अदरक लहसुन पिसा हुआ शामिल करना है। शेयर करें हम चिकन में तो 1/2 kg, आप मटन या बीफ में भी डेफिनेटली बना सकते हैं। शामिल करना है इसमें अदरक लहसुन हो चुका है दोस्तों, जीरा दोनों तरह का है, काला जीरा और सफेद जीरा। शामिल करना है चिकन पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर, आटा लाल वाला, ठीक है, मैदा प्लीज शामिल ना कीजिएगा, नमक मौजूद है, हल्दी पाउडर, ठीक है, और जरा सा यहाँ पे घी भी बिल्कुल ऐड करना है। साथ ही हम हलवा शेयर करेंगे, हलवे की रेसिपी गाजर का हलवा। तो इस वक्त हम इस रेसिपी का आगाज करते हैं, ठीक है दोस्तों। कुन्ना बना रहे हैं, कुन्ने का दूसरा नाम क्या, इतना सा पूछा है आपसे। ऑयल शामिल कर रहे हैं कोई 1/2 cup के बराबर, 1/2 cup शामिल किया कुकिंग ऑयल, और साथ ही जरा बाकी चीजों की तैयारी करते हैं। अनियन बिल्कुल हम ऐड करनी। अच्छा एक और आपको बात बताऊं, अगर हम मटन में बना रहे हैं तो उसका जरा सा डिफरेंट तरीका होता है। हम क्या करते हैं कि बॉइलिंग के दौरान ही हम प्याज अदरक लहसुन शामिल कर लेते हैं, लेकिन यहाँ इसका डिफरेंट रेसिपी है चिकन कुन्ने के लिए, लेकिन आपको अच्छा लगेगा दोस्तों। अनियन के दोनों एजेस आपने इस तरह से निकाल लेने, उसके बाद इसके आपने 2 पीस किए, ये साफ को यकीनन निकाल लेना दोस्तों, जाहिर है ये काफी ज्यादा हार्ड होता है ये साफ। उसके बाद इसको हम स्लाइस कर लेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है दोस्तों। अनियन कर रहे हैं स्लाइस। और सवाल पूछा कुन्ने का दूसरा नाम क्या है, कुन्ना बना रहे हैं और इसके साथ हमने हलवा भी करना है तैयार, तो प्याज हम शामिल कर रहे हैं पैन के अंदर, हांडी के अंदर।
ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता हांडी गर्म होती जा रही है, बहुत मजा आता है जी। दोस्तों जब सर्दियों की ठंड, क्या कहते हैं, सर्दियों की शामें हो, ठंडा ठंडा मौसम हो और मजे का कुन्ना हो सॉफ्ट दूध वाले नान के साथ, बहुत मजा आता है। और इसे जरा सा हम ब्राउन कर लेंगे, बल्कि मैं हाफ अनियन बाकी और ऐड कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। जरा सा प्याज और शामिल कर रहे हैं, एक मजे का इससे फ्लेवर आएगा प्याज। अच्छा, इससे ज्यादा ना कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि प्याज ज्यादा हो जाए और ब्राउन ना की जाए तो मीठा बना जाता है, ठीक है। से हम वैसे इसे कुक कर लेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट इंशाल्लाह हमारा कुन्ना होगा तैयार। तो बस इंतजार है, जैसे ही इसका ऑयल हांडी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए उसके बाद कुन्ना बना रहे हैं, और चपाती के साथ पेश नहीं करना दोस्तों, नान के साथ पेश करना। और मौजूद है हमारे साथ जावेद साहब, बात करते हैं उनसे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जावेद साहब, कैसे हैं आप? यार ठीक ठाक हैं सब, जी सब। यस सर, करम अल्लाह का, आप बताइए कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। जावेद साहब सवाल का जवाब देंगे जी, बोले कुन्ने का दूसरा नाम क्या है, क्या आप जानते हैं सर? चिकन कढ़ाई तो नहीं है? नहीं। अच्छा, और कुछ कहना है? मेरे घर वाले बहुत शौक से देखते हैं आपका प्रोग्राम। आपकी पूरी फैमिली को सलाम, और बस खुश रहें, शादाबाद रहें। दोस्तों प्याज ब्राउन हो रही है, प्रोसेस जारी। दोस्तों बस अनियन हल्की से सॉफ्ट हो रही है, कलर हो रहा है चेंज, प्रोसेस जारी है, कुन्ना हम बना रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और ये प्याज को जरा ब्राउन कर लेना है, उसके बाद सॉफ्ट हो जाए, बस जरा सी सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद ऐड करते हैं इसी के अंदर अदरक लहसुन जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। ठीक है, लगभग 2 टेबल स्पून हमने अदरक लहसुन शामिल किया, और इसे जरा ब्राउन कर लेते हैं। अब तक इसमें दी क्वीन ऑफ टेस्ट मलका फूड्स के स्पाइसेस ऐड नहीं किए, लेकिन बहुत अच्छा फील हो रहा है, किचन में मौजूद है और ये हम रेसिपी कर रहे हैं तैयार चिकन कुन्ना। बस हल्का सा कलर आ जाए, ठीक है दोस्तों, सिलसिला जारी है सवाल का जवाब देने। और ये देख सकते हैं, अब हमने ऑयल में प्याज अदरक लहसुन शामिल किया, उसके बाद इसका सिलसिला बिल्कुल जारी है, बस हल्का सा प्याज का कलर आ जाए तक इसका मिठास खत्म हो जाए, प्याज का कच्चापन खत्म हो जाए। और इसके बाद हम ऐड करते हैं मीट, इसमें चिकन और हड्डी वाला ही लेना आपने, ठीक है। अगर बकरे का गोश्त आप इस्तेमाल यूज करें, उसमें भी कुन्ने में थोड़ा बड़े साइज की बोटियां होती हैं और मजे का बनता है। जो लोग निहारी और पाए खाने वाले हैं उनको तो कुन्ना बहुत ज्यादा पसंद आएगा, ठीक है। और थैंक यू असद साहब। अच्छा दोस्तों, ये प्रोसेस जारी है, अदरक लहसुन शामिल कर हल्का सा ब्राउन करते हैं, और साथ ही ब्रेक से पहले शामिल करते हैं स्पाइसेस। और स्पाइसेस की दुनिया में दोस्तों पहले जरा काला जीरा शामिल किया हाफ टी स्पून, सफेद जीरा शामिल करते हैं ये भी 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पिसी हुई ये 1 टेबल स्पून, ठीक है। और अगर टी स्पून है तो 1.5 टी स्पून, 1.5 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून से जरा सी ज्यादा शामिल करते हैं, धनिया पाउडर ये भी कोई 1/2 टीस्पून, और इसमें दोस्तों स्ट्रॉन्ग करने के लिए जरा चिकन पाउडर भी यूज कर रहे हैं, ठीक है 1/2 टीस्पून। और इसके बाद इसे जरा परफेक्टली हम इसकी करें भुनाई। आप लीजिए छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं, बल्कि जरा सा मसाले की आपने मिक्सिंग के बाद इसी में हम पानी भी शामिल कर रहे हैं। दोस्तों पानी ऐड करो, आप लीजिए छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं, 3 से 4 कप हम शामिल कर रहे हैं पानी। लेट्स टेक अ ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलते हैं।
मास्टर से, मास्टर से, सर मास्टर। खुशामदीद कहते हैं वन मोर टाइम। रेसिपी शेयर कर रहे हैं हम कुन्ने की और यहाँ मौजूद ही देख सकते हैं आप। और साथ ही प्रोसेस इसका जारी, हमने क्या किया था आगाज में, इस कुन्ने के लिए हमने ऑयल में प्याज, अदरक लहसुन शामिल किया, जरा ब्राउन करने के बाद हमने शामिल किया था चिकन, सफेद जीरा, काला जीरा, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और चिकन पाउडर शामिल करने के बाद सिलसिला जारी था। और 4 से 5 कप हमने इसमें पानी शामिल किया, कुछ देर इसमें पकने देना है और जरा सा कुकिंग ऑयल भी शामिल करें मजीद, ठीक है। और दोस्तों साथ ही हम चलते हैं गाजर के हलवे की जानिब। गाजर का हलवा बनाने के लिए जवाब, सवाल पूछा कुन्ने का दूसरा नाम क्या है, आप जवाब दे रहे हैं, सिलसिला जारी है। दोस्तों गाजर के हलवे के लिए गाजर कद्दूकस बिल्कुल मौजूद है, शामिल करें घी, देसी घी शामिल करें दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों घी शामिल किया और देसी चीजों का अपना ही मजा, ठीक है दोस्तों, देसी चीजों का अपना ही फ्लेवर, खुशबू, टेक्सचर। घी के साथ ही इसमें कुछ सब्ज इलायची भी शामिल करते हैं और जरा घी को मेल्ट कर लेते हैं। साथ ही इसमें हमने ये देखिए कितनी दिलकशी के साथ मौजूद है ग्रेटेड गाजर कद्दूकस की भी 2 किलो, ठीक है, ये आप जितना बनाना चाहें। और घी के बाद इसमें हम शामिल करते हैं गाजर, जितनी आ जाए इसमें उतनी हम शामिल करते हैं। दोस्तों 2 किलो गाजर में आपने चीनी 500 ग्राम शामिल करनी है या 450 ग्राम इंशाल्लाह परफेक्ट होगा, ठीक है दोस्तों, इतना ये काफी मेरे ख्याल से, ठीक है, फिर चीनी भी ऐड करनी है। अच्छा उसके बाद हमने ये अच्छी तरह से जबरदस्त भुनाई करनी है, इसी दौरान में चीनी भी शामिल करता हूँ दोस्तों, चीनी मिलाते हैं गाजर के साथ ही। और जो लोग गाजर को बॉयल करते हैं प्लीज कभी भी हलवे के लिए गाजर को ना बॉयल करें, ना पानी में, ना दूध में, किसी भी चीज में नहीं, गाजर के हलवे का यही तरीका, इसकी बुनाई की जाए, इसमें पानी खुद ही आ जाएगा, जो चीनी का पानी होगा ये गाजर खुद अपना पानी छोड़ेगी तो इसका टेक्सचर आ जाएगा, प्लीज इसमें आप पानी शामिल ना कीजिएगा। और जवाब दे रहे हैं दोस्तों सवाल का, कुछ ही देर में आपकी कॉल्स भी लेंगे, बता सकते हैं आप कि कुन्ने का दूसरा नाम क्या है। आहिस्ता आहिस्ता गाजर सॉफ्ट हो रही है, नरम हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हैं दोस्तों गाजर सॉफ्ट हो रही है, नरम हो रही है। ठीक है आप देखिए इसमें पानी बनता जा रहा, मॉइस्चराइजर क्यों आ रहा है, क्योंकि चीनी का पानी है या गाजर का। और जो लोग इंटरनेट की दुनिया में मौजूद हैं सबको ही खुश आमदीद कहते हैं। शेफ 21 का पेज हमारा लाइक कीजिए, क्योंकि एवरी सिंगल डे ये रेसिपीज आप हासिल कर पाएंगे, वीडियो मिल जाएगी हमारे पेज पे। मुझे सर्च करना चाहें डायरेक्टली इकबाल शाह के नाम से, मेरा पेज है IQBAL उसके बाद SHAH, वो पेज पे 1,10,000 लाइक होने वाले माशाल्लाह से, तो बस आपका इसी तरह साथ रात इंशाल्लाह और ग्रो करेंगे। और ये मेल्ट हो रही है, अब देखिए गाजर श्रिंक कम हो रही है और बुनाई का सिलसिला जारी है, ठीक है। और आपको बताऊं बर्तनों की बहुत अहमियत होती है दोस्तों, ठीक है, नानी दादियों के जमाने से मिट्टी के बर्तन बेस्ट होते हैं,
मट्टी के बर्तन ना हो तो तांबे के बर्तनों में भी खाना बहुत हलवे बहुत अच्छे बनते हैं तांबे के बर्तन में, तांबे का बर्तन क्योंकि भारी उसका पैदा होता है। और ये कुन्ने का भी देखिए ग्रेवी बहुत ही आला। दोस्तों इसमें जरा सी लाल मिर्च ऐड करता हूँ मजीद। मलका फूड्स की पिसी हुई लाल मिर्च जरा सी और शामिल कर रहा हूँ इसके अंदर ताकि कलर इसका और अच्छा हो जाएगा। और ये देखिए दोस्तों कॉलर भी मौजूद हैं, बात करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। जी हुमा परफेक्ट, आप बताइए कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। मतलब इस वीक पे आप अच्छी डिशेस बना रहे हैं। बस मैडम बस कोशिश कर रहे हैं और आपको अच्छी लग रही तो आई थिंक दैट्स ग्रेट। नहीं माशाल्लाह से बहुत कोशिश क्या कर रहे हैं आप बना रहे हैं और हम लोगों को मतलब हम लोग बना के खा रहे हैं तो आपको हम दुआएं देते हैं। जी जी बिल्कुल और आज आप तंदूर की डिश बना रहे हैं कुन्ना गोश्त। जी जी बिल्कुल 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 शुक्रिया। गाजर का हलवा। शुक्रिया शुक्रिया। जवाब देंगी हो आप हुमा सवाल का? हाँ मुझे जहाँ तक मतलब है कि हांडी में बनाई जाती है ना जो कुन्ना गोश्त अमूमन हांडी में फिर उसको वो आटे चारों तरफ लगा दिया जाता है तो बात ये हो सकता है फिर मटका गोश्त कहते हैं दूसरा जो नाम है क्या कहते हैं मतलब हांडी में बनाई जाती है ना तो हो सकता है इसे मटका गोश्त कहते होंगे। अच्छा चले मेरे मतलब माइंड में आ रहा था वो यही आ रहा है। अच्छा चले ठीक है आपका पॉइंट ऑफ व्यू जाना बहुत शुक्रिया हुमा। ओके थैंक यू। और इंटरनेट के दोस्त भी जवाब दीजिए कुन्ने का दूसरा नाम क्या है। गाय आप देखिए इसमें शीरा इसके अंदर ही बन रहा है ठीक है ना क्योंकि पानी जो शीरा जो बनाते हैं गलत करते हैं बॉयल करते हैं वो भी सही तरीका नहीं है। डायरेक्टली गाजर चीनी और घी में भुनाई की और इसका जबरदस्त अंदाज में इसकी भुनाई करनी है आपने। ठीक है दोस्तों देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये सॉफ्ट हो रही है गाजर और सिलसिला जारी साथ कुन्ने का प्रोसेस भी जारी है। इसमें जरा सा हमने जीरा और बाकी चीजें ऐड करते हैं और खोया अब तक ऐड नहीं किया इसमें देख सकते हैं। दोस्तों इसमें हम जरा सा खोया भी शामिल करते हैं और इसकी बुनाई करते हैं। आप चाहें तो जरा दूध भी इसमें शामिल कर सकते हैं ठीक है बल्कि हम लास्ट में जरा सा दूध भी ऐड करेंगे और साथ ही हम जरा बादाम पिस्तों की कर रहा हूँ जॉब कर रहे हैं। कुन्ने का प्रोसेस जारी है गाजर का हलवा हो रहा था यार मेन्यू बहुत मजे का है। सवाल का जवाब दे रहे हैं कि कुन्ने का दूसरा नाम क्या है। बादाम इस तरह से आपने चॉप कर लेना है ठीक है दोस्तों। और बाकी ये देखिए सिलसिला बिल्कुल बिल्कुल जारी है आज ही ट्राई कीजिए और देख सकते हैं। इस तरह से आपने से बारीक काट लेना है। ठीक है दोस्तों बादाम पिस्ती कर रहे हैं जॉब सिलसिला जारी है और इंटरनेट के दोस्त भी जवाब देते रहिए। और मलका फूड्स के स्पाइसेस बिल्कुल शामिल किए दी क्वीन ऑफ टेस्ट इनका कहना है कुछ नया पकाओ और जायके के साथ साथ मलका वाले देखिए आपकी सेहत का भी बहुत ज्यादा ख्याल करते हैं जी ठीक है क्योंकि ना इसमें MSG है ठीक है मोनोसोडियम ग्लूटामेट नहीं शामिल करते ये स्पाइसेस में और साथ ही ग्लूटेन फ्री है। आई थिंक दैट्स रिमार्केबल जो बहुत अच्छी बात है। बादाम पिस्ते भी चॉप कर सकते हैं और बुनाई का सिलसिला जारी है ठीक है दोस्तों। ब्रेक की जाने भी चलना और ये हलवे की हम करें जबरदस्त अंदाज में बुनाई और वक्त वक्त छोटे से ब्रेक का इस वक्फे के बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं। देखते रहिए शेफ 21। Thank you.
दोस्तों खुश आमदीद कहते हैं वन मोर टाइम, लेकिन ये लास्ट ब्रेक में हम दाखिल हो चुके हैं, इख्तितामी लम्हात हैं। कुछ ही देर में हमारा शो खत्म हो जाएगा। वैसे भी शेयर कर रहे हैं हम गाजर का हलवा और कुन्ना हो रहा है तैयार। गाजर के हलवे के लिए हमने घी में इलायची के बाद गाजर सब्ज इलायची शामिल की, जरा से उसकी बुनाई का सिलसिला जारी रखा। उसके बाद हमने चीनी शामिल की और दोस्तों तो ब्रेक के दौरान हमने हल्का सा दूध भी शामिल किया, ठीक है। तरह जरा गाजर और सॉफ्ट और मजे की इंशाल्लाह होगी तैयार। सिलसिला बिल्कुल जारी है, देख सकते हैं आप। ऑन दी अदर एंड हमारा कुन्ना भी हो रहा है तैयार। अब जरा चूल्हा इसका कम करते हैं और यहाँ जो आपको एक फ्राइंग पैन दिख रहा है, इस फ्राइंग पैन में हमने तैयारी करनी है, आटे को भून कर शामिल करना है। बहुत से लोग जो गलती क्या करते हैं कि नियारी कुन्ना पाए इन चीजों में आटा डायरेक्टली शामिल करते हैं, जिसकी वजह से कच्चापन रह जाता है। जरा सी भुनाई बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आटे की भुनाई के लिए हम चलते हैं, जरा सा इसमें शामिल कर रहा हूं दोस्तों घी, ठीक है जी, और शामिल कर रहे हैं कुकिंग ऑयल भी। ठीक है दोस्तों, और इस ऑयल के अंदर हमने जो लाल जो आटा होता है, ठीक है, अच्छा दोस्तों आज ऐसा करें बल्कि भुनाई नहीं करनी, हमसे सॉरी, ठीक है। इसमें हल्का सा ऑयल घी शामिल कर रहा हूं गरम, ठीक है, और आप भी भुनाई ना कीजिएगा, ठीक है, ऐसे ही शामिल करना। आपको बताता हूँ जिस तरह ये आटा मौजूद है, इसमें जरा पानी शामिल करके डिजोल्व कर लेते हैं, ठीक है, आप भी ऐसा कीजिएगा, इंशाल्लाह परफेक्ट बनेगा। और निहारी में आप भून कर शामिल करते हैं, कुन्ने में आटा भून कर शामिल नहीं करना, ठीक है दोस्तों, अलहदा से इस तरह से आपने डिजोल्व कर लेना है। कोशिश कीजिए इसमें गुठली ना बने, पानी जरा सा और ऐड करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां डिसॉल्व कर लेना, कोशिश कीजिए यहां जरा से भी गुठली ना बने। इस वक्त अगर बनी तो वहां आपसे सही नहीं बनेगा, यहां परफेक्टली फोक से कांटे से किसी भी चीज से ला लीजिए, डिसॉल्व कर लीजिए परफेक्टली, जिस तरह इस वक्त आप देख रहे हैं हम कर रहे हैं। और गाजर के हलवे को भी जरा मिक्स कर लेते। अब इसमें दोस्तों कुन्ने में हम आटा शामिल करते हैं स्लोली स्लोली, और आपने हिम्मत से मिक्स करते रहना, ठीक है। लाल आटा शामिल करना, मैदा शामिल नहीं करना, भून कर शामिल नहीं करना, इसी तरह शामिल करना है, यही इसका तरीका है, ठीक है। और जरा से मिक्स करेंगे, देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं, अच्छा से थिक होता जा रहा है, बहुत ज्यादा थिक नहीं करना दोस्तों। इसका टेक्सचर देखिए जबरदस्त, माशाल्लाह इसका टेक्सचर आ चुका है, वाह। और कुछ चीजें आपको बताऊं क्या करना है, जिसमें आपने कुन्ने में ये मलका फूड का सफेद जीरा लिया आपने देख रहे हैं, और इस तरह से आपने शामिल करना है, देखिए मलका फूड्स का काला जीरा भुना हुआ हाथ पे रखा, और इस तरह से आपने शामिल करना है, करते हैं मिक्स। और जरा सा ऑयल में शामिल कर रहा हूं, और ये बेहतर है जो गर्म हो चुका तो बेहतर है, गर्म ही शामिल कीजिएगा, ठीक है। तो बस ये तकरीबन तैयार हो चुका है, चलते हैं प्रेजेंटेशन की जानिब, वो हलवा भी जरा बुनाई कर लेते हैं। अच्छा दोस्तों कुन्ना निकालते हैं क्योंकि हो चुका है तैयार, और ठीक है बहुत एहतियात से मोहब्बत के साथ। और कभी भी प्लीज आप फेस इस तरफ ना लाइएगा वरना आपका चेहरा जल सकता है। और ये निकालते हैं, साथ चूल्हा बंद कर चुके हैं बंद, और ये देख सकते हैं दोस्तों कुन्ना सेम्स अमेजिंग माशाल्लाह।
ओए होए होए होए। ठीक है दोस्तों, नान के साथ खाएंगे, बहुत मजा आएगा आपको। और ये लेग पीस भी आ चुका है। ठीक है दोस्तों, और लास्ट मिनट बाकी है जो शो का सबसे अहम। दोस्तों कुछ ग्रीन चिली में इस तरह चॉप कर रहा हूं, हरी मिर्चें, और ये हरी ग्रीन चिली आपने इस तरह प्रॉपर इस तरह शामिल की, कुछ हरा धनिया, कुछ अदरक भी आपने शामिल करनी, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये कुन्ना जबरदस्त माशाल्लाह हो चुका है तैयार। इस हांडी को जरा हटाते हैं। ठीक है, अच्छा खासा इसमें अभी ग्रेवी है। और ये हलवा ले आते हैं यहाँ, और बल्कि हलवा भी फाइनल हो चुका है, कुछ खोया इसमें मिला चुके हैं, कुछ आपको दिखाते हैं किस तरह से करना है। नान आ चुके हैं जिसके साथ इसे करना है पेश, कुछ खोया इसके अंदर ऐड करते हैं, मिक्स इट वेल, और ये हलवे को जरा निकालते हैं। ठीक है, चूल्हा पहले ही हम बंद कर चुके थे, देन जरा से निकालते हैं। कुछ बादाम पिस्ते अंदर ही शामिल कर रहे हैं, कुछ टॉप पर। जी दोस्तों, गाजर का हलवा तो जरूर ही बनाना चाहिए। एक तो इसमें विटामिन ए काफी मिकदार में होता है, विटामिन ए की कमी से नजर के लिए भी बहुत अच्छा, और इसके बहुत फायदे। ठीक है जी, जी दोस्तों, इसके टॉप पर हम ये जो खोया है शामिल करते हैं। और ले रहे हैं आपसे इजाजत, सवाल पूछा कुन्ने का दूसरा नाम क्या है, दुरुस्त जवाब जो है ऑफ कोर्स वो है मटका गोश्त, इज द राइट आंसर। उमा आपको बहुत बहुत मुबारक हो दोस्तों, मुझे इकबाल को दीजिए इजाजत और क्लीनिंग कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, खुश रहें, शाद आबाद रहें, एंड इफ यू लाइक इट जस्ट बाय इट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।